हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप ट्यूटोरियल के अंतर्गत कुछ इस तरह का बेहतरीन फोटो एडिटिंग करेंगे, जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा होगा ये विदाउट एडिटिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं, ये विदाउट एडिटिंग है और यहाँ पर जो इमेज है ये एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, कि उस इमेज में कमी क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज जैसा कि आपको यहाँ फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसके फेस पे काफ़ी पिंपल्स और डार्क स्पॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसका जो स्किन है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो उसको स्मूथ करेंगे। उसके बाद इसका लाइटनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे और लास्ट में इसका शार्पनेस बढ़ाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर राइट साइड वाले इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं, और इसको देखिए यहाँ से हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करके कोई भी काम कीजिएगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, जो लेयर्स का डायलॉग बॉक्स है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसका एक देखिए डुप्लीकेट बन गया यहाँ पर, और ये अभी लॉक दिखा रहा, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए आपको एक टूल दिख रहा होगा, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन आया, बाय डिफॉल्ट जो है उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके, आप माउस पर लेफ्ट क्लिक करते जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जूम होगा, और कंट्रोल अल्ट प्लस स्पेस बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारा ये स्पॉट दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट की है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसका साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो इसका साइज घटेगा, ठीक है। तो साइज़ अपने ज़रूरत के अनुसार रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अल्ट बटन होल्ड करके, और जहाँ पर भी दाग है उसके बगल में एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद जहाँ पर दाग है उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर गायब हो गया। इसी तरह देखिए, यहाँ पर एक बार क्लिक किए तो गायब हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसी तरह देखिए अल्ट बटन प्रेस करके एक बार इसके बाहर यहाँ पे क्लिक किए, और उसके बाद इस दाग पे क्लिक करेंगे तो देखिए गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ पे है, इसके बगल में एक बार अल्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दाग पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह फेस पर जितना भी डार्क स्पॉट है या पिम्पल्स हैं उस सबको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हम जितना भी डार्क स्पॉट और पिंपल्स था सबको रिमूव कर लिए हैं, ठीक है, और कंट्रोल प्लस जीरो बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेयर्स है इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, तो कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लिए इस तरह से, ठीक है। डुप्लीकेट बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मूव टूल पर आते हैं, ठीक है, टूल बार में आएंगे और यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेनू बार में आएंगे और यहाँ पर फिल्टर मेनू में आएंगे, ठीक है। फिल्टर मेनू में आने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए गॉसियन ब्लर है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक गॉसियन ब्लर का डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ पे देखिए रेडियस बाय डिफॉल्ट 44.5 पिक्सल्स है, ठीक है, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्लर किए तो ये पूरा इमेज खराब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेयर्स फर्स्ट है, इस पर क्लिक रहने देंगे और अल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिखेगा एक ऑप्शन लेयर मास्क का, ठीक है, तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर का इस तरह से बॉक्स बन गया है, और यहाँ पे देखिए इस इमेज पे जो हम इफेक्ट दिए थे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट, ठीक है, वो गायब हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फॉरग्राउंड कलर जो है उसको वाइट रखेंगे और बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जिसका शॉर्टकट की है बी, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके सबसे ऊपर में जो है आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ब्रश टूल को सेलेक्ट किए, ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन आया है, तो यहाँ से देखिए जो ब्लरिश टाइप का है, ठीक है, उसको सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ से देखिए ड्रैग करके इस तरह से जो ब्लरिश टाइप का उसको सेलेक्ट करते हैं और मोड नॉर्मल रहने देंगे। ऑपेसिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 20 है, इसको हम 50 कर लेते हैं, ठीक है, और फ्लो 100 रहने देंगे, ठीक है,
और यहाँ से ब्रश का साइज बड़ा करेंगे। तो ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट की है उसको प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपने जरूरत के अनुसार रखेंगे ब्रश का साइज और यहाँ पे देखिए इस तरह से चलाएंगे। ठीक है, और ध्यान रिफ्रेंस एक जगह पे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ठीक है, एक जगह पे दो तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और इस तरह से चलाना है। देखिए यहाँ से देखिए जूम करके चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से देखिए इस तरह से चला रहे हैं और ब्रश का साइज जरूरत पड़ने पे छोटा बड़ा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसके फेस में किस तरह से बदलाव आ रहा है। जिस तरह से हम ब्रश कर रहे हैं उसी तरह से आप भी ब्रश कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आँख है तो यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस तरह से हम देखिए यहाँ पे चलाते हैं। और ये देखिए आँख है, यहाँ पे और ब्रश का साइज छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ब्रश कर लीजिएगा खुद से। और यहाँ पे देखिए नोज है। ठीक है, यहाँ पे और जूम कर लेते हैं, ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रश हल्का सा करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हम ब्रश कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले इसको हम जूम कर ले रहे हैं। इस तरह से जूम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे लेयर्स में। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपको फिल जो दिख रहा है इसको यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100% है अभी, इसको यहाँ से कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपके कीबोर्ड में जो डाउनवर्ड एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से घटेगा। ठीक है, और इसको देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं 88 के आसपास रखते हैं। 88 यहाँ पे रख लिए तो आपको अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम इसका विजिबिलिटी यहाँ से ऑफ करते हैं तो देखिए पहले कुछ इस तरह का इमेज था। ठीक है, और इस पर हम ब्लर इफेक्ट दिए तो कुछ इस तरह का इमेज हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करके इसको मर्ज डाउन कर देंगे। यहाँ से देखिए मर्ज डाउन कर दिए। ठीक है, मर्ज डाउन करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम लाइटनेस बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लेयर्स में ही आएंगे और यहाँ पे जो आपको क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक। और यहाँ से देखिए ऊपर में लेयर्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुला है और यहाँ पे जो अपवर्ड एरो की है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करके हल्का सा बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जहाँ से ब्लैक स्टार्ट होता है वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना पे ले आए। उसके बाद देखिए मिडिल में जो है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में इतना पे बढ़ा लिए तो देखिए किस तरह से बदलाव आया है इसमें। और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर से यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्व्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर हल्का सा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इस पर और भी इफेक्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके लिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से ह्यू सेचुरेशन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सेचुरेशन का क्या करेंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 रखते हैं यहाँ से और यहाँ से ओके कर देते हैं। इसी तरह देखिए फिर से हम क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ से ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट है इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हल्का सा ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ब्राइटनेस देखिए 8 रखते हैं। और एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस अगर हम जितना भी रखते हैं, ठीक है, चाहे 8 रखें 10 रखें, कॉन्ट्रास्ट जो रखेंगे उसका हाफ का भी थोड़ा सा कम रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम 8 रखे हैं तो इसको हम 4 से ज़्यादा नहीं रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें और कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से देखिए हम न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए सेलेक्टिव कलर है इस पर क्लिक करते हैं। कलर्स में रेड्स कलर सेलेक्ट है अभी, तो रेड्स कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेजेंटा को हल्का सा बढ़ाते हैं इस तरह से। ठीक है, 10 रखते हैं और येल्लो को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, -5 रखते हैं। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फिर से ये रेड है तो यहाँ पे एरो की पे क्लिक करके येल्लो सेलेक्ट करते हैं और येल्लो में देखिए मेजेंटा को क्या करेंगे, हल्का सा बढ़ा लेंगे और येल्लो को थोड़ा सा घटा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं। कंट्रोल प्लस 0 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे करना बच गया है, इसका शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे ऊपर में जो लेयर है इस पर क्लिक रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई बटन, ठीक है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करके एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट बना लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए फिल्टर मेनू में आते हैं और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा अदर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और हाई पास पे आते हैं। ठीक है, हाई पास पे आने के बाद यहाँ पे देखिए 2.9 है इसका रेडियस, इसको देखिए 3 कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लेंड मोड में आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे जो एरो का की है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हार्ड लाइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके आई पे गौर कीजिएगा और इसके हेयर पे गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी ऑन करते हैं तो देखिए, ठीक है, कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको हल्का सा, और कंट्रोल प्लस जीरो बटन प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोटो एडिट कर सकते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसके लिप्स पे अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक देखिए न्यू लेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू लेयर पे क्रिएट अ न्यू लेयर है, इस पे क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो एक न्यू लेयर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टूल बार में आते हैं और फॉरग्राउंड कलर है उस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसके लिप्स का जो डार्क कलर है यहाँ पे देखिए हल्का सा जो रेडिश टाइप का है उस पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ओके कर लेते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश का जो शेप लेंगे वो ब्लरिश टाइप का लेंगे। ठीक है, बाकी जो बाय डिफॉल्ट है उसको रहने देते हैं और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से देखिए जूम कर लेते हैं, जूम करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। ठीक है, और ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हल्का सा चला देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इसके लिप्स पे हम कलर डाल दिए। ठीक है, इसका यहाँ पे फिल थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, 87 रखते हैं। उसके बाद देखिए इसके फेस पे बदलाव। ठीक है, लास्ट में आपको एक बार और दिखा रहे हैं बिफोर आफ्टर करके, अल्ट प्लस कंट्रोल बटन प्रेस करके और बैकग्राउंड लेयर है उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। इसके विजिबिलिटी पे सबसे पहला जो इमेज था कुछ इस तरह का था। ठीक है, जिसको हम एडिट करके कुछ इस तरह का बनाए हैं, तो इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।